तजर्बा होगा और हम फार हुए तारीख के तरह होगा। माशाल्लाह रसूल तशरीफ लाए और बहुत ही अच्छे अंदाज में पुरानी करीब की फजीलत पर तकरीर पेश करके चले गए। मौसम अगर इसी तरह अपनी मेहनत को जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा जब तक खतीब के नाम से जाने जाएंगे। इसके बाद इस समय तकरीर पेश करने के लिए हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद कर रहा हूं जो आया وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا خلقت لكم وانكم خلقتم للاخره اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم جس دور پہ ناسا تھی دنیا والزمانہ اب ہم بھول گئے جس دور پہ ناسا تھی دنیا والزمانہ اب ہم بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے آزاد اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور आजाद तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में अनवर जिस जन्म से दिल हिल जाते थे वह जन्म लगाना भूल गए मुर्दे के लिए आईना में पर दाग न देखा सीने में मुर्दे के लिए आईना में पर दाग न देखा सीने में दिल ऐसे लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गया। मेरा महतरम बुजुर्ग और दोस्त अल्लाह रब इज्जत ने इंसान को अपनी कुदरत से पैदा फरमाकर और कुछ मोहलत देकर इस दुनिया में भेजा है। ये दुनिया इंसान के लिए इम्तिहान रहा है, ये दुनिया इंसान के लिए चरागाह नहीं। खा पी कर खेल कूद कर कर मौज मस्ती करके जिंदगी गुजार दे। मेरे दोस्त अल्लाह रब इज्जत ने इंसान को इस दुनिया में इसलिए पैदा किया इंसान के लिए इम्तिहान का बना है। ये जमीन आसमान चांद सूरज सितारों जंगलों पैमानों आबादियों और वीरानों और जो इन तमाम चीजों के अंदर है सब इंसान के लिए पैदा किया है और अल्लाह रब इज्जत ने इंसान को अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया है। अल्लाह रब इज्जत इरशाद फरमाते हैं वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून कि हमने इस कायनात और इस कायनात के तमाम चीजों को इंसान के लिए पैदा किया है और इंसान को अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया है। मालूम हुआ कि इंसान की जिंदगी का बुनियादी मकसद इंसान की पैदाइश का असल मकसद अल्लाह रब इज्जत की बंदगी है। सही मानों में बंदा वही है जिसमें बंदगी हो वरना वह बंदा सरासर बंदा है जिसमें झूठ और फरीब का परिंदा है। शायर कहता है तू बनाए बंदगी है याद रख तू बनाए बंदगी है याद रख वरना शर्मिंदगी है याद रख चल रोजा से तगी है याद रख एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है। मेरे दोस्तों इंसान की जिंदगी हवा में रखे हुए चिराग की तरह है जिस तरह हवा में रखे हुए चिराग हवा के एक झोंके से बुझ जाता है जिस तरह आंखों का आंसू पल झपकते ही मिट्टी में मिल जाता है जिस तरह पानी का बुलबुला पल भर में खत्म हो जाता है ऐसे ही इंसान एक पल में इस दुनिया से अगले दुनिया के लिए रुखसत हो जाता है। मेरे दोस्तों जरा तो गौर कीजिए सिर्फ लफ्ज मौत कितना भयानक लफ्ज है और मौत से हर जानदार डरता है मौत से हर जानदार भागता है मौत की आवाज से कोई सुनना नहीं चाहता मौत की तलवार से कोई पीना नहीं चाहता मौत को किसी मौत को अपने पास ले आना भी पसंद नहीं करता मगर इसके बावजूद मौत हर एक के पास जाती है किसी को नहीं छोड़ती चाहे वह नबी हो या वली चाहे वह बादशाह हो या फकीर चाहे वह आलिम हो या जाहिल चाहे वह महल में जिंदगी गुजारने वाला या झोपड़ियों में चाहे वह शहर में रहने वाला या देहात का चाहे वह मर्द हो या बच्चा चाहे वह औरत हो या मर्द। मेरे दोस्तों
मौत किसी को नहीं छोड़ती, मौत का हर सर पर बराबर चलता है। जिंदा है जो मौत का इजाज़ सहेगा, जिंदा है जो मौत का एहसास सहेगा, जब सरवर आलम ना रहे तो कौन रहेगा। कुल नफ्स दायमतुल मौत, मौत के कवा को ढालने को पीना पड़ेगा, चाहे वो पीना कवा करे या ना करे, और इसी खाक में सोना पड़ेगा जिस खाक से और जिस मिट्टी से पैदा हुआ है। आने वाले किसके डाली जाएगी, आने वाले किससे डाली जाएगी, रूह रवा से निकाली जाएगी, एक दिन पे हाथ डाली जाएगी, एक दिन मरना है आपकी मौत है, करने जो करना है आपकी मौत है। ऐ नमा तकुन युद्रिकुल मौत वला मौत फी बुरूजिल मुशक्किला, जिस दिन मौत आने का वक्त आ गया वह आ जाएगी, और ना उसमें एक सेकंड की तब्दी व दाखिल होगी, और ना ही भरत पला मारने उसके राजा हाल हो सकते हैं, और ना ही उसके बाद शहर के मजबूत से मजबूत किया जा सकते हैं। कई नमाज अब वही मौत वाला को तो फिर गुरु जी मुश्किल और मौत में किसी हुकूमत और सल्तनत को बंद बाजे को नहीं रोका जा सकता। अगर मौत को किसी हुकूमत के जरिए टाला जा सकता तो फिर और को कभी मौत ना आती। मौत को अगर माल और दौलत के जरिए टाला जा सकता तो हमार को कभी मौत ना आती। मौत को अगर हुस्न जमान के जरिए टाला जा सकता तो हर किसी और इस्लाम को कभी मौत ना आती। मौत को अगर ताकत और बाजे को नहीं टाला जा सकता तो हर अली रजी अल्लाह और बड़े बड़े सहरा जैसे बड़े बड़े पहलवानों को कभी मौत ना आती। मौत को अगर विलायत के जरिए टाला जा सकता तो अली अल्लाह और यह अल्लाह की मौत ना आती। मौत को